डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सल्तनत काल में दक्षिण भारत में विख्यात साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सल्तनत काल में जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, उसके परिणाम स्वरूप भारत में इस्लामिक साम्राज्य का आरंभ हुआ और दिल्ली सल्तनत का जो विकास हुआ वह इल्तुतमिस, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि की विजयों के कारण निरंतर सल्तनत का विस्तार हुआ। परंतु इस विस्तार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह भी हुआ कि तुगलक काल तक आते आते दिल्ली सल्तनत में विघटन के चिन्ह भी दिखने लगे। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम देखते हैं कि सल्तनत के विघटन का प्रारंभ हो गया था, क्योंकि मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में कई राज्य स्वतंत्र होने प्रारंभ हो गए थे। इनमें जैसे जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, उड़ीसा, कामरूप, इन राज्यों में विद्रोह होने प्रारंभ हो गए थे और ये सल्तनत से स्वतंत्र होने का या तो प्रयास कर रहे थे या कतिपय राज्य स्वतंत्र हो गए थे। दक्षिण में जो महत्वपूर्ण दो साम्राज्य स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र रूप से जिनका विकास हुआ उनमें प्रमुख हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। इनमें जो विजयनगर साम्राज्य था वह एक हिंदू साम्राज्य था और सल्तनत काल के उस दौर में जब मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू धर्म के विरुद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से जो हिंदू धर्म की संस्कृति पतनोन्मुख हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में विजयनगर ने हिंदू संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास किया और एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत जो है हरिहर और बुक्का के संदर्भ में दिए हैं कि हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, कुछ विद्वान कहते हैं कि वह पहले होयसल राजा वीर बलाल तृतीय की सेवा में थे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वे वारंगल के काकतीय वंश के राजाओं की सेवा में थे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर आक्रमण किया उस समय हरिहर और बुक्का कांपिल्य राज्य के हिंदू जो राज्य था उसमें मंत्री थे। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था और इसीलिए कालांतर में जिस राजवंश की हरिहर और बुक्का ने स्थापना की वह संगम राजवंश कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर आक्रमण किया तो उस समय कांपिल्य में जो पहले जो विद्रोह फैल गया था, तो कांपिल्य पर जब
तुगलक की सेनाओं ने अधिकार किया तो कांबिल से हरिहर और बुक्का को मुस्लिम सेना ने दिल्ली लाई, और जब उन्हें दिल्ली लाया गया तो उन्हें बलात् अर्थात जबरदस्ती में मुसलमान बनाया गया, और इस तरह हरिहर और बुक्का मुस्लिम बन गए। परंतु जब दक्षिण में जो मदुरा राज्य था वहां के गवर्नर जलालुद्दीन हसन शाह ने जब विद्रोह किया तो उस विद्रोह का प्रभाव दक्षिण के अन्य राज्यों पर भी पड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि कांबिल राज्य ने भी, जिस पर पहले मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने अधिकार कर लिया था, तो कांबिल राज्य ने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि कांबिल के जो है हरिहर और बुक्का पहले मंत्री रह चुके थे, इसलिए कांबिल की हर परिस्थिति से हरिहर और बुक्का वाकिफ थे, वहाँ की हर परिस्थिति को जानते थे। तो यह सोच कर कि कांबिल के विद्रोह का दमन करने में हरिहर और बुक्का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें कांबिल का विद्रोह दमन करने के लिए भेज दिया। हरिहर और बुक्का ने कांबिल के विद्रोह का तो दमन कर दिया, परंतु वहां विद्रोह के दमन के दौरान वह विद्यारण्य नामक एक विद्वान के प्रभाव में आए, और विद्यारण्य ने उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वे पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लें। यद्यपि उस युग में एक बार धर्म परिवर्तन करके पुनः हिंदू धर्म में हिंदू समाज द्वारा उन्हें स्वीकार करना इतना आसान नहीं था, परंतु विद्यारण्य ने श्रृंगेरी अद्वैत मठ के प्रमुख संत विद्यातीर्थ से अनुमति प्राप्त करके हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित कर दिया, और तत्कालीन हिंदू समाज में कोई शंका न हो इसलिए विद्यारण्य ने यह घोषणा की कि भगवान विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर हरिहर जो है कांपिल्य के जो नवीन कांपिल्य का जो नया जो राज्य स्थापित हो गया है उस पर शासन हरिहर करेगा, अर्थात भगवान विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में हरिहर नए साम्राज्य में शासन करेगा, और इस नए राज्य का नाम रखा गया हम्पी हस्तिनावती, जो कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर था। इस तरह 1336 ईस्वी में इस नए राज्य की स्थापना हुई, और यही राज्य जो है यही नगर बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यहीं से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए पिता के नाम पर उन्होंने अपने राजवंश को संगम राजवंश कहा। हरिहर क्योंकि हरिहर बड़ा भाई था, इसलिए हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने साम्राज्य की सेनाएं सीमाएं सुरक्षित की, और होयसल शासकों से भी अपने राज्य की रक्षा की। देवगिरी का जो सुबेदार था उस समय कुतलुक खान, वह भी इस नए राज्य को ईर्ष्या की नजरों से देखता था और चाहता था कि देवगिरी में इस नए राज्य का विलय कर लिया जाए, परंतु हरिहर और बुक्का ने अपनी योग्यता से न केवल अपने राज्य को सुरक्षित किया बल्कि उसका विस्तार भी किया। हरिहर ने बुक्का को अपना युवराज घोषित किया और विभिन्न दुर्गों की सुरक्षा का दायित्व उसे सौंप दिया। दोनों भाइयों ने योग्यता पूर्वक अपने राज्य का शासन चलाया, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए, कृषकों को कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और साथ ही साथ उन्होंने होसल राज्य को भी जीत लिया। इस प्रकार हरिहर प्रथम ने न केवल होयसल राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, होयसल राज्य को
अपने राज्य में मिलाकर हरिहर प्रथम ने न केवल विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसने अपनी योग्यता तथा साहस से अपने साम्राज्य को एक सुव्यवस्थित शासन भी प्रदान किया। हरिहर ने मदुरा के सुल्तान को भी पराजित किया और कोंकण पर स्थित कदम राज्य को भी जीता। लगभग 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु हो गई। क्योंकि हरिहर प्रथम का कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसने अपने मृत्यु से पहले ही अपने भाई बुका को युवराज घोषित कर दिया था और हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुका प्रथम के नाम से विजयनगर का सम्राट बना। बुका ने यद्यपि कोई उपाधि धारण तो नहीं की परंतु उसने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया, विद्रोही अधिकारियों का दमन किया और अपने पुत्रों को प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया। बुक्का ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और 1360 ईस्वी में उसने तमिल प्रदेश को जीता, जिस कारण विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं अब पेनार नदी तक पहुंच गई। उसने तेलंगाना के हिंदू शासक से संधि की और तत्पश्चात उसने रायचूर दोआब पर अधिकार करने का प्रयास किया। बुक्का का बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह से भी युद्ध हुआ। अब यह तो ज्ञात नहीं कि विजय किसकी हुई, लेकिन दोनों में संघर्ष अवश्य हुआ और 1371 ईस्वी में 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वह भी एक महान विजेता था। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को जारी रखा और कनारा, मैसूर, त्रिचनापली, कांची, चिगलपुट आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस अवधि में हरिहर द्वितीय का बहमनी राजा से भी संघर्ष हुआ और रायचूर दोआब को लेकर दोनों में निरंतर युद्ध चलता रहा। यद्यपि युद्ध में फिरोज शाह बहमनी को सफलता मिली और परिणाम स्वरूप हरिहर द्वितीय को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इससे बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हरिहर के जो अंतिम दिन थे अपने शासन के शांतिपूर्वक बीते और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र देवराय प्रथम गद्दी पर बैठा। देवराय प्रथम के समय बहमनी साम्राज्य से कुछ समय उनके संबंध अच्छे बने रहे, परंतु शीघ्र ही तेलंगाना के प्रश्न पर दोनों में युद्ध हो गया। इस तरह दक्षिण में विजयनगर और बहमनी का संघर्ष चलता रहा। देवराय प्रथम ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, अपने घुड़सवारों की संख्या में वृद्धि की। इसके लिए उसने अरब और फारस से घोड़ों को खरीदा, नए तुर्क तीरंदाजों को सेना में भर्ती किया, उन्हें अच्छा वेतन दिया और इस तरह उसने अपनी सेना को संगठित किया। अपने शासन की दीर्घ अवधि में वह बहमनी के शासक फिरोज शाह से युद्ध करता रहा। साथ ही साथ देवराय प्रथम एक महान निर्माता तथा विद्वानों का संरक्षक भी था। उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अनेक नहरों का निर्माण करवाया और उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य विद्या और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बन गया।
देवराय प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र देवराय द्वितीय गद्दी पर बैठा। देवराय द्वितीय संगम वंश का एक महान शासक हुआ। उसने बहमनी सुल्तानों से संघर्ष जारी रखा। जब बहमनी सुल्तान अहमद शाह ने 1422 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण किया और क्रूरतापूर्वक स्त्रियों और बच्चों तक की हत्या कर दी, तो देवराय प्रथम ने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक निष्फल किया, आक्रमणकारियों को पराजित कर खदेड़ दिया। बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध इस विजय से देवराय द्वितीय की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और उसने साथ ही साथ बहमनी राज्य के कई प्रदेशों को छीन लिया। साथ ही साथ देवराय द्वितीय ने उड़ीसा तथा बेलमा के राज्यों को भी जीत कर अपने साम्राज्य में मिला दिया। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय की मृत्यु हो गई और इस तरह संगम वंश का अयोग्य उत्तर, क्योंकि देवराय द्वितीय के उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे, परिणाम स्वरूप 1446 में देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मल्लिकार्जुन को सिंहासन प्राप्त हुआ, जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। और मल्लिकार्जुन के शासनकाल में ही संगम वंश का पतन आरंभ हो गया था। धीरे धीरे संगम वंश कमजोर होता गया और 1485 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद जो उसका चचेरा भाई विरूपाक्ष था, जो कि मल्लिकार्जुन का उत्तराधिकारी था, विरूपाक्ष की हत्या करके सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की और इस तरह संगम वंश का अंत हो गया और सालू वंश के नाम से विजयनगर में नया राजवंश सिंहासीन सिंहासीन हुआ, गद्दी नसीन हुआ।